हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डी ए वाई वर्मा ब्लॉग पर। दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मैं आज अपने बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ कि मैं कहाँ रहता हूँ और मेरा असली नाम क्या है, और मैं इस बारे में आज आपको पूरा पूरा डिटेल से बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आज आपको अपने बारे में बताऊँगा कि मेरा नाम डी ए वाई वर्मा कैसे पड़ा। तो फ्रेंड्स, मैं शुरू कर रहा हूँ वीडियो को, और वीडियो में शुरू करने से पहले आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ कि आज मैं इस वीडियो में ये भी बात बताने वाला हूँ कि मैंने डीए मिक्सिंग कैसे कब सीखी। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने बारे में बताने वाला हूँ कि मेरा नाम डीए वाई वर्मा कैसे पड़ा और मैं कहाँ से ब्लॉग करता हूँ। दोस्तों फ्रेंड्स, मैं फिरोजाबाद शहर के मालवीय नगर में रहता हूँ और मैंने एम कॉम फाइनल कर ली है। और यहाँ पर तो फ्रेंड्स, आज से कुछ टाइम पहले करीब 5-6 साल हो चुका है, तो 5 या 7 साल कुछ ऐसे हो चुके। तो मैंने पहले, मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो आपने पहले एक गाना सुना होगा दे दनादन मूवी का, पैसा पैसा और रिंगने रिंगा इस्लाम डॉग करोड़पति का। तो ये दो गाने चले हुए थे, तो ये गाने मुझे बहुत पसंद थे। तो पसंद होने के बाद मैंने खूब गाने सुनता था, जब भी कहीं पे भी बजते थे तो मैंने मन लगा कर सुनता था। तो फिर मैंने मोबाइल भी ले लिया, इसके बाद मोबाइल में भी ये गाने सुनता था, और मोहल्ले में किसी के जो दो डिब्बे आते थे बजने के लिए अलमारी टाइम में, तो मैं उन अलमारी में अब डीजे रिमिक्स सॉन्ग सुनता था। तो एक ब्राज़ील म्यूजिक था जो मुझे बहुत पसंद था, तो मैं हर रोज़ यही सुनता था शादी ब्याह में, और शादी ब्याह में जैसे सुनता रहता था तो मुझे अच्छा लगता था। और मैंने उस सॉन्ग को ब्राज़ील वाले को अपने मोबाइल में डाल लिया। मोबाइल में डालने के बाद मैं उसे हर रोज़ पसंद करता था, इस गाने को बहुत सुनता। इसके बाद मैंने ब्राज़ील ढोल शुरू किया, इसके बाद मुझे ब्राज़ील म्यूजिक बहुत पसंद आने लगा। इसके बाद मैंने दुकान पे जा जाके जो भी होती हैं डाउनलोडिंग, तो वहाँ पे मैं जा जाकर ये ब्राज़ील सॉन्ग के जितने भी रिमिक्स हुआ करते थे सारे के सारे अपनी छिप में भरवा लिया करता था और रोज सुनता था। मैंने को बहुत पसंद था, मुझे इतना म्यूजिक पसंद था कि मैं ये हर वक्त सोचता था कि ये लोग कैसे रिमिक्स कर देते इसको, और कैसे मतलब मन चाहे तब म्यूजिक बंद कर देते, मन चाहे तब उठा देते, मन चाहे अपना नाम लगा देते हैं। तो इस तरीके से मैं सोचता रहा। फिर एक और गाना चालू हुआ था, उसका नाम क्या था, हाँ उसका नाम था बालों के नीचे चोटी। बालों के नीचे चोटी वाला जो गाना आया था, तो ये गाना इतना सुपर डुपर हिट रिमिक्स था, ये डीए राहुल रॉक ने रिमिक्स किया था ब्राज़ील म्यूजिक में, इसमें पम्पेटम म्यूजिक लगा हुआ है। तो ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद था, मैं इस गाने को और भी ज़्यादा सुनने लगा था, बहुत ही ज़्यादा। फिर मैं म्यूजिक में और ज़्यादा घुसते चला गया, मेरे पास इतने सारे गाने हुए थे रिमिक्स किए हुए कि जो मेरे फ्रेंड थे वो मुझे ही लेवा के ले जाते थे। अगर कहीं पे भी कोई सॉन्ग या डीजे जे बजाना आता था तो हम लोग मोबाइल से ही सॉन्ग बजाया करते थे। अब मोबाइल में बजाने के बाद हौले हौले धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही गाने बजाते रहे। बजाने के बाद अब मुझे लगा कि मुझे भी मिक्सिंग सीखनी चाहिए। तो इसके लिए मेरे पास लैपटॉप तो था नहीं, लेकिन जब मैं हाई स्कूल में था, तो हाई स्कूल में जब सन 2010 में मैंने हाई स्कूल पास की थी, तो वहाँ पे पहले ही जो हमारी सरकार चल रही थी, जब मुलायम सिंह यादव की सरकार चल रही थी, तो उन्हीं की सरकार ने पहले ही घोषित हुआ था कि हाई स्कूल पास वाले बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा। लैपटॉप तो हम लोगों को उसी साल, मतलब एक साल के अंदर हम लोगों को लैपटॉप मिल गया, और मैंने उस लैपटॉप का इस्तेमाल इस डीजे मिक्सिंग में किया। और जैसे ही लैपटॉप मेरे पास आया, मैंने तुरंत ही एक डीजे रिमिक्सर को कॉल की और उससे बातचीत की। बातचीत करने के बाद उन्होंने मुझसे कुछ 8 या 9 हज़ार रुपये मांगे थे, तो मैंने वहाँ से भी कैंसिल कर दिया। फिर मैं इधर खूब भागता रहा, पर मुझे कहीं पे भी कोई व्यवस्था नहीं बनी कि मैं डीजे मिक्सिंग कहाँ से सीखूँ। इसके बाद मैंने आगरा से एक डीजे अमित मिक्सर है, तो उनसे मैंने बातचीत की, तो उन्होंने मुझसे करीब 3,500 रुपये लिए थे मिक्सिंग सिखाने के। तो उनसे पहले मेरी बात हो चुकी थी, पूरा क्लियर हो चुका था। तो मैं जब जाड़ों का टाइम था, तो मैं ऐसे कोहरे में ही चला गया था अपना लैपटॉप लेके। तो उन्होंने सबसे पहले मेरे लैपटॉप को देखा और बोला कि आपको कहाँ से मिला। मैंने उन्हें पूरी स्टोरी बताई कि ऐसे मैंने हाई स्कूल पास किया, फिर बाद से मुझे लैपटॉप मिला। लैपटॉप उन्होंने देखा तो उसमें सबसे पहले उन्होंने अपने पेन ड्राइव से अपने कंप्यूटर का सामान जो डीजे रिमिक्स का था, वो मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल किया, एप्पल स्टूडियो इंस्टॉल किया, जब मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि इतना कठिन होगा ये सॉफ्टवेयर। तो उन्होंने मुझे स्टार्ट किया, तो मैंने हार मान ली थी कि मैं अब कभी मिक्सिंग नहीं सीख पाऊंगा। पर धीरे धीरे जैसे ही वो मुझे समझाते गए, तो हौले हौले मुझे मिक्सिंग भी सीखना आ गया। तब मुझे इतने मिक्सिंग पता नहीं था, तब मैं 1.5-2 साल प्रैक्टिस करता रहा। उसके बाद में मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज हो चुकी थी, और आज मैंने करीब 1100-1200 गाने रिमिक्स कर चुका हूँ, और मेरी वेबसाइट diewaivarma.in के नाम से है, और मैंने काफ़ी इसमें से पैसे भी कमाए थे। तो मतलब हाल के हाल अपने सेटलमेंट, इस तरीके से मैंने मिक्सिंग भी सीखी और
काफी मजे भी लिए इस मिक्सिंग से। और मैं बहुत जगह पे जाता हूँ तो बहुत से लोग मुझे हाथ मिलाते भी हैं और कहते हैं कि मतलब मैं बहुत अच्छी मिक्सिंग करता हूँ। मैंने हर टाइप की मिक्सिंग की है, ब्राजील, इलेक्ट्रोरा, ढोलकी, लंगड़िया, ऐसे ऑल टाइप सॉन्ग मिक्सिंग की है। रसियत तक रिमिक्स कर चुका हूँ मैं। और मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास ऐसी बहुत सी सारी कैसेट रखी है, करीब 15-20 कैसेट रखी, जिसमें वो जो पुराने पुराने जो डीजे रिमिक्सर थे उनके सॉन्ग भरे पड़े हुए रखे थे। मुझे इतना शौक था कि मेरे पास चिप में जगह नहीं थी, तो मैंने क्या किया कि डीवीडी जो होती है उसमें ही सॉन्ग में कॉपी करवा के ना शॉप से और ना पैसे दे के कॉपी करवा के डीवीडी में भर के रख देता है। और काफ़ी मेरे पास 15-20 मतलब कैसेट ऐसी अभी भी रखी हुई हैं जिनमें बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे रिमिक्स गाने पड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको अपने बारे में बताया और ये भी बताया मैंने कि मैं डीजे मिक्सिंग कैसे सीखा और किस तरीके का जुनून है। मैं बता दूं कि मुझे बहुत शौक था, मेरे घर वाले भी बहुत मना कर रहे थे कि मैं ये मिक्सिंग सिंग ना सीखूं, पर मुझे म्यूजिक शुरू से ही पसंद था। म्यूजिक के मतलब इंटरेस्ट आता है, हर किसी को अपना अपना लाइफ चॉइस करने का अधिकार है, इसलिए मैंने भी अपना म्यूजिक चुन लिया है। और मुझे म्यूजिक के अलावा कुछ भी पसंद नहीं है। आज भी मैं बहुत सॉन्ग सुनता हूँ, लीड से अपने बहुत सॉन्ग है। और मैं जितने भी सॉन्ग रिमिक्स करता हूँ सिर्फ ईयरफोन लगाकर ही रिमिक्स करता हूँ अपने लैपटॉप से। दोस्तों, मैं हूँ डीजे बॉय वर्मा, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए।